देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हैप्पी दशहरा। दशहरा है और क्या, ये ले सोना, गुड लक आएगा। अरे ये क्या कर रहा है तू? इससे कुछ नहीं होता, पिछले साल इसी नकली सोने की माला बना के मां ने दी थी। अगर इसमें सच में गुड लक होता तो मेरी माँ मुझसे कभी दूर नहीं जाती। दशहरे पे मैं और माँ दशहरे मैदान में जाया करते थे। वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था। मैं और माँ वो बड़े वाले झूले में बैठ जाते थे। मुझे डर लगता तो माँ मुझे अपने से चिपका लेती थी। और अम्मा याद है, जैसे ही तुम मुझे अपने सीने से चिपकाती थी मेरा डर खत्म हो जाता था। नहीं हाँ, और तुझे याद है वो झूले के ऊपर से रावण का दसवां मुख कितनी पास दिखता था ना? पास? ऐसा लगता था वो खा जाएगा। क्या बना दो? गुड़ वाली बनाना। जी बाबू। ये देखो सोनू, यहाँ पर सब लोग दशहरे की तैयारी में मगन है। आदत नहीं हमारी यीशु बनाने की, लेकिन देखो कैसे पूरी टोकरी भर भर के फूल आया है। इतनी सुध नहीं है किसी को कि अपनी बेटी अपनी बहन के यहाँ अरे चार ठो फूल भिजवा दे। हाय अम्मा। आओ बिटिया आओ, और हम फूल भिजवा भी देते तो तुम हार बना लेती क्या? अरे तुम्हारे लिए भी बनाए हैं, लेती जाना। हाय अम्मा। हाँ ओ जीजी, वैसे भी त्योहारों में इस घर की रौनक तो आप ही बढ़ाती हो ना। बोले मास्टर जी है। देखा बाबू जी, बोल नहीं है ये। बाबू जी अब ऐसे मुंह ना फेरो जैसे कुछ सुनाई ना दिया हो। बाबू जी आपकी बिटिया पे ताना कसा गया है और वो भी डायरेक्ट। दादाजी हम गदमार खेल रहे थे, चाचू ने बॉल हमें मारी थी, गलती से आपको लग गई। बॉल उठाओ, आप इधर आओ। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हमसे पूछ रही हो? अपने साहबजादे से पूछो ये यहाँ क्या कर रहा है। दशहरे के दिन है, दुकानदार अपनी दुकानें खोल के ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं और ये साहबजादे बॉल आने का इंतजार कर रहे हैं। बाबू जी दुकान ही जा रहे थे, वो तो बच्चे कहने लगे चाचू खेलो खेलो खेलो, तो खेलने लगे। अब इसमें कौन सा तूफान आ गया बताइए? निकम्मे, जिंदगी भर अपना खून पसीना बहा बहा के ये घर दुकान बनाए हैं। अगर तुम्हारी तरह खेल कूद में लगे रहते ना तो अभी जितना गरज रहे हो ना गरज नहीं पाते। हम कहाँ गरज रहे हैं? चलिए बाजार दिखाते हैं, सबकी दुकानें कैसी चमक रही हैं, नया माल भरा है सबने। उनकी दुकान के सामने अपनी दुकान पे लंगड़ा कुत्ता भी मुतने नहीं आएगा। थोड़ा पैसा मांगा था ना आपसे, दे देते, दुकान में माल भर लेते हम। हाँ सूद तूने देना नहीं था लेकिन पैसे तुझे बराबर चाहिए। तो आपसे बातें नहीं करेंगे, नहीं करनी करनी, जब साथ देना होता तब साथ नहीं देते आप, खरी खोटी सुनाया करते हमको। अरविंद अरविंद एक एक मिनट, क्या हुआ, क्या बात हो गई? कुछ नहीं भैया, घोर कलयुग है, आओ जिस पैसे मांगे दुकान में माल भरने के लिए, अपने लड़के से सूद मांग रहे हैं। हाँ तो बिजनेस है ना। अच्छा एक मिनट, कितने पैसे चाहिए? अरे कुछ नहीं भैया, 50,000 चाहिए थे दुकान में माल भरने के लिए, लेकिन अब क्या निकल गया था शहरा।
हाँ तो दशहरा ही निकला ना, दिवाली आने वाली है। मैं तुझे 1,00,000 रुपए दे दूंगा, कर लेना तू अपने हिसाब से। रुपया सुन के खड़े क्यों हो गए कंगले? बैठ जा, ये अमीर लोग हैं। मम्मा मैं क्या खड़ा हुआ? आपने ही मेरे को खींच के खड़ा कर दिया। चुप। अशोक जी, ये गलत बात है। और अपने बेटे से सूद मांगना सही बात है ना? हाँ तो इसमें गलत क्या है? सही क्या है? बिजनेस के अपने बेटों से ही करोगे? हाँ तो अपनों से क्यों ना मांगे भाई, इसमें गलत क्या है ये तो समझाओ। इसमें सही क्या है? सही कह रहे हैं बाबूजी अम्मा। अरे बिजनेस तो बिजनेस होता है ना, और पिछाए बेटा हो बेटी, क्यों बाबूजी? बिल्कुल, पर बेटियां तो पराया धन होती हैं। अब कोई इतना पैसा हमें दे तब हम माने। ओ जीजी, बात उनकी चल रही है, आप क्यों बहती गंगा में हाथ धो रही हैं? फालतू में। और तुम जो अपना सारा पैसा अपने पास दबा के रख लेती हो, हैं? 1 रुपया तक घर पे नहीं देती हो, उसका क्या? हम क्यों दे? बहू है इस घर की, और पैसा दे दे ताकि वो भी आप पर ही लुटा दिया जाए, है ना? लुटा दिया जाए? लुटा दिया जाए से तुम्हारा क्या मतलब है बोलो? अच्छा चुप चुप, सब शांत। जी जी बैठो, आप बैठो। मेरा भाई है, मैं उसे पैसे दे रहा हूँ, लौटा देगा। किसी को खून जलाने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया लौटा देंगे, 1-1 रुपया, 1-1 अठन्नी, 1-1 चवन्नी लौटा देंगे भैया, और पूरी दुनिया देखेगी। आशीर्वाद दीजिए भैया, दुकान जा रहे हैं। देखिए इसकी अकड़, ये होता है पैसे का खेल। तुमसे तो बोल के गया है, हमारी तरफ तो देखा तक नहीं। बाबूजी चाय। हैप्पी दशहरा जी। जी ये क्या हा? देखो आदत नहीं हमारी ये सू बनाने की, ये सूख जाने वाला सोना हम कंगलों को दे रही हो, और खरा सोना रईसों को। नहीं चाहिए तुम्हारा सोना उना, रखो अपने पास, चल सोनू। चाय के कप में डुबकी लगा के मानेगा क्या? चल मम्मी, फिर आपको चाय बनानी पड़ेगी। चलते हैं अम्मा। सोनू, अरे कप वापस ले आना। अम्मा चाय। बाबूजी वो आप बच्चों के साथ मिलकर रावण बना लीजिएगा, मैं थोड़ा बाजार तक जा रहा हूँ काम से। हाँ बना लेंगे रावण, लेकिन मन में कोई उत्साह नहीं है। क्या हुआ बाबूजी? होता होता तो मन में एक अलग जोश होता, अब तुम क्या जानो पोते का सुख क्या होता है। अशोक बाबू अब त्योहार के दिन क्यों इस अभागे को आप इतना बड़ा दुख याद दिला रहे हैं? अब भाग में होगा तो बेटा आ ही जाएगा। क्यों यशोदा? यशोदा जी 1 मिनट जरा। कुछ पता चला कैसी तबीयत है आप कृष्णा की? ये सब निपटा के वहीं चली जाऊंगी। यहाँ त्योहार है तो थोड़ा देख लीजिए। इसीलिए तो जाना और भी जरूरी है, उसकी माँ के जाने के बाद पहला त्योहार है। अम्मा से पूछ लिया है मैंने। मैं छोड़ दूंगा आपको, मैं भी मनोज से मिल लूंगा। जी चलिए मिल लीजिए कृष्णा से। नहीं आप जाइए, आप होके आइए ना,
ठीक है। वॉचमैन, ये मंगल सेठ ने खाना भेजा है, दशहरे में बच्चों पे बटवा देना। जल्दी करो, बाकी का भिखारियों बांटना है। अब मेरा बेटा दान करा हुआ खाना खाएगा? हेलो मनोज, मुझे तुझसे जरूरी काम है। तेरे घर के पास वाले कैफे पे आके मिलेगा मुझसे। ओके। ये देखिए आंटी, कृष्णा कैसे अपनी माँ के साथ झूले पे चिपक के बैठा है ना? अरे वाह कृष्णा, तुम तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो, कमाल का हाथ है तुम्हारा। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम यहाँ मिल जाओगे। डॉक्टर हो ना, और जब पेशेंट इतना प्यारा हो तो कदम खुद ब खुद उसकी तरफ चल पड़ते हैं। अरे ये झूले पे तुम और ये माला है ना? छोटू, ये सब रख दो। डॉक्टर आंटी, अब मैं सबके साथ डॉर्मेट्री में रह सकता हूँ? यहाँ मन नहीं लगता। बिल्कुल रह सकते हो, मगर अभी तुम्हें डॉर्मेट्री में भी रेस्ट करना है अच्छे से। और मेरा नंबर तो है ही तुम्हारे पास, जब जरूरत पड़े कॉल कर लेना। छोटू, इसका ध्यान रखना। मैं तो हमेशा रखता हूँ। छोटू, एक बात बताओ, कृष्णा तुमसे इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है? यार, ये अच्छी वाली आंटी कितनी अच्छी है, देख वापस से मिठाई लेके आई है। तूने क्यों ली? जाके उन्हें वापस दे, जा। अरे देख, इसमें फल भी है, वापस दूंगा तो बुरा मान जाएगी। मानने दे उन्हें बुरा। यार, तो वो अच्छी वाली आंटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करता? मन नहीं करता। जब भी उन्हें देखता हूँ तो अपनी माँ को खोने का दर्द और बढ़ जाता है। कृष्णा मुझे ही दोषी मानता है माला की डेथ का, जबकि एक मरती हुई औरत से किया हुआ वादा मुझे खींच कर ले आता है उसके पास। और अब तो एक अजीब सा लगाव हो गया उसके साथ। उसके लाख नफरतों के बावजूद कैसे छोड़ दूं उसे अकेला? नफरत सह लेती हूँ, लेकिन अगर उसे कुछ हो जाए तो शायद बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। नफरत करे उसकी अपनी सोच है, लेकिन दो बोल ठीक से बोल तो ले। बच्चे ऐसे ही होते हैं यशोदा, भोले। एक बार मन में कोई बात बिठा लेते हैं तो निकालना बहुत मुश्किल होता है। इतने अच्छे से समझती हो ना तुम बच्चों की साइकोलॉजी को। जिसके पास जो चीज नहीं होती है ना यशोदा, वो काश मेरा भी एक कृष्णा जैसा प्यारा सा बच्चा होता। तू हमेशा से बच्चा चाहता था ना, मैं तेरी मुश्किल आसान करना चाहता हूँ। कैसे? तू कृष्णा को गोद ले ले। मनोज ने कई बार कहा कि एक बच्चा गोद ले लेते हैं, पर मैंने ही मना कर दिया। ऐसे कैसे बच्चा गोद ले सकते हैं? पता नहीं किसका बच्चा हो, कैसे संस्कार हो, आसान थोड़ी होता है। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसमें मुश्किल क्या है। तुझे पता है ना वो मेरा बेटा है। ये तुम मुश्किल है कि मुझे पता है कि वो तेरा बेटा है। और सबसे मुश्किल बात पता है क्या है? क्या? कि तुझे भी पता है कि वो तेरा बेटा है। क्या गारंटी है कि कल तेरे दिल में अरमान नहीं जगेंगे?
बेगम बिना औलाद के सही है भाई। कल तू उसे लेने आ गया तो ऐसे कैसे आ जाएगा उसका पिता? आज तक तो उसने पता करने की कोशिश भी नहीं की कि बच्चे के क्या हाल है। चिट्ठी मिलने पर भी मिलने तक नहीं आया, तो अब क्या आएगा? और अगर आ गया तो हम क्या करेंगे यशोदा? और वैसे भी मैं यही चाहूंगी कि किसी बच्चे को गोद लूं, वो छोटा सा हो, मेरी गोद में खेले, मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखे और मेरे। कृष्णा भी तो छोटा ही है गायत्री, कितना भी बड़ों जैसा व्यवहार कर ले, अभी उसकी आंखों में देखा है तुमने। हाँ, और मुझे उसके लिए तकलीफ भी बहुत होती है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो दिक्कत क्या है गायत्री? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? और वैसे भी ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती, मनोजी से बात करनी होगी। अशोक जी उन्हीं से बात करने गए होंगे, मुझे बताया नहीं है, पर मैं जानती हूँ। और देख लेना तुम, मनोज भैया को मना लेंगे वो। मैं नहीं मान सकता तेरी इस बात को। तेरे लिए भी सही रहेगा कि तू उसे खुद से यशोदा भाभी से शहर से दूर भेज दे, किसी बोर्डिंग स्कूल में, वरना तो तू खुद भी फंसेगा और हमें भी फंसवाएगा। देखो, जितना मैं मनोज जी को जानती हूँ, वो एक वकील है, वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। हाँ, अगर उसके पिता एनओसी लिखकर दे दे तो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। वही तो दिक्कत है ना, उसके पिता का पता नहीं चल रहा। तुम कोशिश कर रही हो ना? कर रही हूँ, अब और शिद्दत से करनी पड़ेगी। मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगी जरूर। काश ऐसा ही हो। मैं चलती हूँ। देखा, उन डॉक्टर आंटी को भी दुखी कर दिया। ये मैडम दिल दुखाने में एक्सपर्ट है। तुझे पता है वो तुझसे कितना प्यार करती है, तेरे लिए सबसे लड़ जाती है, एक फोन पर आ जाती है वो। अब क्या फायदा, जब आना था तब तो आई ही नहीं। यार तू भी ना। हैप्पी दशहरा बेटा। हैप्पी दशहरा आंटी। हैप्पी दशहरा कृष्णा। देखो, मैं माँ नहीं हूँ तुम्हारी, माँ जैसे तुम मानते भी नहीं, जानती हो। तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते इसके तुम्हारे अपने कारण होंगे, लेकिन जिस तरह तुम अपनी माँ से मोहब्बत करते हो ना, उसी तरह माला को दिया हुआ वादा एक कर्तव्य है मेरे लिए। कुछ ही दिनों की बात है, तुम मुझे बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हारी नादानियों को नजरअंदाज करती रहूंगी। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारी माँ की इच्छाओं से जुड़े हुए हैं हम, बंधे हुए हैं, बस ये समझना जरूरी है। चलती हूँ। हैप्पी दशहरा। ये अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर आप आओगे तो सोना दूंगा। ये देखिए, यहाँ पर पड़ा भी है। अरे दी, दी। तुम्हारी माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस।
कृष्णा। थैंक यू। हेलो, क्या अब ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मैं अभी आती हूँ। यार तो अच्छा नहीं करता इन अच्छी वाली आंटी के साथ। इन्होंने कौन सा अच्छा किया है मेरे साथ? ये कहती थी कि ये झूठ नहीं बोलती। इन्होंने क्यों कहा कि वो मेरी माँ को कुछ नहीं होने दे देंगी? तू जा छोटू, तुझे समझ में नहीं आएगा। जैसे तुझे बड़ा समझ में आता है। ये देखिए मैडम, ये उस वक्त का अटेंडेंस रजिस्टर। इनमें उन सभी लोगों के नाम हैं जो माला के साथ में उस वक्त काम करते थे। शुक्रिया, ये नाम जानने मेरे लिए बहुत जरूरी थे। लेकिन इतने सारे लोग हैं, सबके बारे में पता करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। आप इतनी जानकारी क्यों ले रही हैं? एक मासूम बच्चे के पिता के बारे में पता करना है, वो इन्हीं में से एक है। इसमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? एक बात बताइए, बच्चा पढ़ता है? हाँ पढ़ता था तो सही। तो फिर तो बहुत ही आसान तरीके से पता लगा जा सकता है।